गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का इम्पोर्टेंट पार्ट टेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। टेंस मीन्स इसमें सेंटेंस देखेंगे और इसका कन्वर्जन ऑफ टाइप सेंटेंस को भी किए उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम जस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं ऑफ सिंपल प्रेजेंट, देन हम धीरे धीरे करके सारा कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस भी देखेंगे। तो आज का आपका जो टॉपिक रहेगा इट इज़ द सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को जनरली जो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखते हैं ना, या इसको पहले देखते हैं यूजेस, हैबिचुअल एक्शंस कंडीशंस में हमारी ये इसको हम यूज करते हैं हैबिचुअल। जैसे कि मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठवा गेट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। तो जो भी सारे हैबिचुअल एक्शंस हैं, मैं मीठा खाती हूँ, आई ईट स्वीट्स, है ना, राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगोज, ये सारा चीज़ जो है जिसको एक हैबिचुअल एक्शंस में हम कन्वर्ट करेंगे, या जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स है जिसका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कोई उसका, जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये सारा चीज़ है क्या क्या हैबिचुअल एक्शंस, प्रोवर्ब्स, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मुहावरे जितने होते हैं हैबिचुअल एक्शंस, साइंटिफिक ट्रूथ, ये सारा चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जनरली हम सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करते हैं। या कोई ऐसे डिस्क्रिप्टिव चीज़ अगर हमें मेंशन करना है, कोई ऐसे को लिखना है, तो जनरली हम कोशिश करते हैं उसको सिंपल प्रेजेंट के तरीके पे एक्सप्रेस करने का। तो आज देखते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब हिंदी में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को लिखते हैं ना, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे ये मेंशन होता है ता है, ती है, एंड ते। हैबिचुअल जनरली ता, राम खाता है, सीता गाना गाती है, हम लोग बोलते हैं, तो ये सारा चीज़ ठीक है जिस सेंटेंस में हिंदी में सेंटेंस में जहाँ पे ता है, ती है, ते है वगैरह की यूज होता है, इसी तरह क्लियर मेंशन ही होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ठीक है। सपोज इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में कह रही हूँ राम खाना खाता है, तो होगा राम ईट्स फूड। सेंटेंस जब हम बनाते हैं इसको डिस्क्रिप्शन में करवा रही हूँ, सेंटेंस मैंने जब लास्ट पीरियड में पढ़ाया था, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में इसको अरेंज किया जाता है, हैविंग ए स्पेसिफिक सेंस और मीनिंग, जिसका एक स्पेसिफिक सेंस और मीनिंग रहता है हम उसको सेंटेंस बोलते हैं ठीक है। तो आज का जो ये है सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे मैंने लिखा राम खाना खाता है, राम खाना खाता है ठीक है। जब सेंटेंस हम बनाते हैं सब्जेक्ट में सबसे पहले सेंटेंस का जो रिक्वायरमेंट होता है सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी रहता है ठीक है, और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट व्हेनेवर द सेंटेंस रिक्वायर्ड, जिसको रिक्वायरमेंट होता है उसी हिसाब से हम ऑब्जेक्ट या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशंस या कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह का यूज करवाते हैं ठीक है। तो जनरली जब सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखते हैं ना, वहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस नो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, दैट इज नो यूज ऑफ इज एम आर, इन तीनों का यूज नहीं होता। देन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ई एस यूज होता है इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के पास एस और ई एस का यूज होता है। देन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हम यूज करते हैं सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो राम खाना खाता है, सब्जेक्ट क्या हो गया, राम नो हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स इज एम आर का है यूज नहीं होगा ठीक है। देन आपका वर्ब खाना खाना मीन्स ईट हो गया, मैंने कहा है कि वर्ब में एस और ई एस लगेगा इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हो जाएगा ईट्स, वर्ब में एस लग गया ठीक है, राम ईट्स फूड खाना खाता है ठीक है। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल होता है यहाँ पे राम और श्याम खाना खाते हैं तो क्या होता है, राम एंड श्याम, ये एस और ई एस का कॉम्बिनेशन सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के पास है, प्लूरल है तो हो जाएगा राम एंड श्याम ईट फूड। एस ई एस कहाँ पे लगता है, राम मंदिर जाता है ठीक है, तो यहाँ पे जाना गो इसका फर्स्ट फॉर्म और ई एस गोस टू टेम्पल ठीक है। तो इसी तरह से हम यूज करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऐसे ही लिखेंगे राम मंदिर जाता है, राम गोज टू टेम्पल। अच्छा इस चीज को जब हम इंटर कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस करेंगे ना, सपोज इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव
ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा था सेंटेंस आपका स्टेटमेंट हो जाता है जब कोई राय देते हो। स्टेटमेंट दो टाइप का होता है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव, सपोज इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, राम गोज टू टेम्पल। जनरली हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब को छेड़खानी किया जाता है। जैसे आई एम ए डॉक्टर, नेगेटिव सेंटेंस में हो जाता है आई एम नॉट ए डॉक्टर। तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई नेगेटिव वर्ब नहीं है या कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में डू या डज का यूज करते हैं हमेशा। और किसी फॉर्म में होगा नहीं, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में होगा क्योंकि इधर एब्सेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हम देखते हैं गोज मींस ए डज फॉर्म में होता, अगर गो होता देन डू फॉर्म का यूज हो जाता है। यहाँ पे गोज है तो डज होगा तो होगा राम। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब डज को यूज किया डजंट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा क्योंकि गोज के लिए हमने यहाँ पे डज यूज किया। राम डजंट गो टू टेम्पल, राम मंदिर नहीं जाता। सपोज आई ईट एन एप्पल, तो इसको नेगेटिव में करेंगे, ईट है, मैंने कहा था सिंपल प्रेजेंट हमेशा डू या डज फॉर्म में होता है, तो ये ईट है डू फॉर्म में तो होगा आई डोंट ईट एन एप्पल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सपोज है क्या मनीष पढ़ाई करता है, क्या मनीष पढ़ाई करता है। ठीक है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आएगा मनीष पढ़ाई करता है, इसको पहले पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं, मनीष रीड्स है ना, पढ़ाई करता है मीन्स ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट के लिए अभी मैंने कौन सी फॉर्म कहा डू या डज, तो यहाँ पे डज फॉर्म क्योंकि रीड्स है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के पास यूज हुआ है, तो पहले आ जाएगा डज। जैसे मैं क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, एम आई ए डॉक्टर, तो उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, इस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब आपका डज है तो होगा डज मनीष रीड्स है, रीड्स में हम डज ले आएंगे तो अगर डज मनीष रीड क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हम करेंगे जब हम सिंपल प्रेजेंट को कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस में नेगेटिव में चेंज करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, ये था सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट और उसका कन्वर्जन। कल हम इलाबोरेट करके ज़्यादा दो तीन स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और उसी में अकॉर्डिंग 10-15 क्वेश्चन खुद लिख के उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट एंड कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, थैंक यू।